तो रेंजा पहुंच चुका हूँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ सामान लेके चले गए। देखिए वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, फोन आया है बिकॉज द का, इसके लिए सामान लेके जाना है सप्लाई में बिकॉज द का सामान। चलिए दोस्तों पहले ढाल लेते हैं सामान, दिखाता हूँ मैं। A few moments later. दोस्तों सामान ढालना हो गया कंप्लीट, अभी निकलना है, जाना है लाइमुखरा रेंजा और लुथुमाई, तीन ही जगह है। चलो दोस्तों निकल। हम लोग लाइमुखरा से स्टार्ट करते हैं, हमेशा आपको मालूम है बिकॉज चले गए ऑलरेडी सामान देने के लिए पहला दुकान में, तो दोनों का बाद पहले लाइमुखरा का दुकान ख़त्म करेंगे, फिर उसका बाद लाइमुखरा का हो गया ख़त्म, निकल गया दूसरा दुकान के लिए जो दुकान पॉइंट में है लाइमुखरा पॉइंट। तो हम लोग सेकेंड वाले दुकान में भी पहुंच गए, यहीं पे है जो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है सामने में, यहीं पे है। तो बिकॉज ऑलरेडी चले गए, उनका तीन या चार सामान है वो देने का बाद में, और आगे में भी दुकान है, बहुत दुकान है तो लालू खराब है, बहुत दुकान है। उसके बाद में हम लोग रेंजा निकल जाएंगे, रेंजा से देते हुए फिर हम लोग डोंगथुमाई देते हुए फिर वापस आएंगे, मतलब वही बात है। लालूखरा में आने में भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक जाम था, आपको मालूम है हमेशा लालूखरा में ट्रैफिक जाम होता ही है क्योंकि मेन जो स्कूल एरिया हो गया वो लाइमुखरा ही है इसलिए, और छुट्टी होने का पहले या लाइमुखरा से निकल जाने से बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि अगर छुट्टी हो गया तो एक जगह पे फंसा रहना पड़ेगा कितना टाइम के लिए वहाँ पर, स्कूल छुट्टी होने के बाद में पूरा ट्रैफिक जम लग जाता है हर तरफ, आपको एक जगह में नहीं होने से कि आधा घंटा बैठना पड़ेगा, ऐसा हालत होता है। तो फटाफट जितना जल्दी हो सके दोस्तों यहाँ से निकल जाते हैं लाइमुखरा से, आने का टाइम ब्लॉक मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से अगर लाइमुखरा का ख़त्म हो जाता है तो रेंजा जाके इतना भी आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो वही बात है दोस्तों। देते हुए चलते हैं धीरे धीरे, तो दोस्तों तीसरा जगह भी पहुंच चुके हैं, वहाँ पे भी एक सामान दिखता है, यहाँ पे और एक दुकान है, देखिए दोस्तों ये वाला सामने में एक दुकान है, तो ये तो सामान देना है बिकॉज जितना चले गए एक बार सामान लेके जा चुके और कुछ ज़्यादा ही सामान है उसका, देखिए फिर निकलते हैं दोस्तों, आगे में और एक दुकान है फिर उसके बाद में रेंजा निकल रहा है। चलिए देखे देखे जाते हैं। A few inches later. तो यहाँ का सामान देना हो गया कंप्लीट दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं अभी नेक्स्ट दुकान है आगे में, उधर में उसका साथ में आगे जो दुकान है उधर आसपास दो दुकान है, दोनों एक साथ ही दे देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग को निकलना है रेंजा। चले दोस्तों जाते हैं वो वाला दुकान में। तो हम लोग और एक दुकान में पहुंच चुके हैं दोस्तों, बिकॉज तो सामान लेके चले गए, क्योंकि सामान थोड़ा कमती हो गया है अभी, अभी डायरेक्ट निकलना है हम लोग को, तब और एक दुकान बाकी है उसको देखिए हम लोग को निकलना है रेंजा में। चलिए दोस्तों फटाफट कर लेते हैं, निकलते हैं रेंजा के लिए, रेंजा को आने निकालने के बाद ही निकल ले सकेंगे। रेंजा पहुंच चुका हूँ दोस्तों, बिकॉज सामान लेके चले गए, देखिए यहाँ से देखिए, और अभी निकलना है डायरेक्ट लुथुमाई के लिए। चलो दोस्तों निकलते हैं, बाप रे बाप।
तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं जो लास्ट हम लोग का दुकान था वहाँ पे पहुँच चुके हैं। टाइम भी बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया दोस्तों, अभी भी जाने का टाइम में कुछ लोग ज़्यादा ही मिल जाएगा मुझे ट्रैफिक जाम। तो बिकॉज भैया चले गए हैं सामान लेके, खाली हो गया तो उनका आने के बाद में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनका थोड़ा काम ही है, उनको सामान कुछ दिखा के देना है क्या नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, इधर में थोड़ा रुकते हैं बिकॉज आने के बाद में फिर निकलते हैं। दोस्तों बहुत दुकान था रायमुखा में, एक का बगल में एक दुकान था तो इसलिए सब दुकान दिखाना पॉसिबल नहीं था। कभी वेट करते हैं दोस्तों कब तक विकास दा आते हैं और हम लोग निकलते हैं। अभी डायरेक्ट जाऊंगा मैं स्टैंड पे, स्टैंड पे जाके बैठूंगा, देखूंगा और कोई काम आता है कि नहीं आज का दिन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। 15 मिनट्स लेटर सो विकास दा आ चुके हैं दोस्तों, अभी निकलते हैं हम लोग, जाते हैं स्टैंड पे डायरेक्ट। दोस्तों मैं जीएस रोड जाके बैठा हुआ था, अचानक बारिश आ गया तो मैं उधर बैठ के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अपने में आके बैठा हुआ। दोस्तों लगता नहीं कोई आज और काम होगा क्योंकि बारिश आ चुका है दोस्तों, तो बारिश आने से तो आपको मालूम ही है और बारिश बहुत दिन बाद ही आया है तो कोई चांसेस नहीं है अभी काम मिलेगा। तब भी वेट करते हैं बारिश ख़त्म होने से, शायद कुछ मिल जाए इसलिए बैठूंगा। मिलने से तो अच्छा ही है दोस्तों, नहीं मिलने से तो आपको मालूम है। तो वेट करते हैं दोस्तों, वेट करना क्या मतलब, बैठते हैं, मालूम तो है कुछ होगा नहीं तब भी। Two hours later. तो दोस्तों मैं आ गया, बैठते 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 और कोई काम नहीं आया इसलिए, और बारिश भी हो रहा था दोस्तों, अभी भी बारिश गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, जब मैं घर पहुंचा उस टाइम में भी बारिश गिर ही रहा था, तो अभी थोड़ा दोस्त कमती हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉप गिर ही रहा है। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, ब्लॉग आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों। Peace.